आपने आज तक यह सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर लेकिन आज आप पहली बार देखेंगे कि हर एक दीवार एक कहानी भी बयां करती है। HMT, एक खोई हुई दुनिया। इस वीडियो में मैं आपको HMT से जुड़ी हुई हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अतः अगर आप HMT या हल्द्वानी या उत्तराखंड से हैं तो आप इस वीडियो को देख के बहुत नॉस्टैल्जिक फील करने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ आखिर तक। लेट्स रोल इन द इंट्रो। चाहे हम लोग HMT जो कॉलोनी है वहां पे आ चुके हैं। I try to reach you, I can't hide. How strong. कुछ आप देखने कैसे खंडर हो चुके रहता हूं। Across the ocean of my mind, my wounds are healing with the sun. All my senses intensify. When never you across the ocean of my mind, but in the end I drown. You push me down, down. हालत है कुछ घरों के। तबाही मचा चुकी है। सो एक जो मैंने अभी आपको छोटा सा टूर दिया, ये पूरी HMT कॉलोनी थी जहाँ पे क्वार्टर्स है और ये लोग पूरी फैमिलीज रहती थी। लगभग 1200 फैमिलीज रहती थी, मतलब 1200 इंटू 3 अगर आप कर ले तो 3600 लोग यहाँ पर रहते थे। और पूरी कॉलोनीज ऐसी 3-4 कॉलोनीज है रोड के उस पार वगैरह। और मौसम देख सकते हैं आप कितना मस्त होता है यहाँ पे, और सब कुछ खंडर हो चुका है। घरों की हालत आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। काई टूट चुके हैं। सो इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं HMT के जो हॉस्पिटल था जब यहाँ पे क्वार्टर में लोग रहते थे। सुरक्षा चौकी का अब यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, पर लेकिन पहले ये था HMT हॉस्पिटल। और जो लोग यहाँ पे रहते थे वो लोग काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि पूरा सब खंडर हो चुका है। देखने में काफ़ी डरावना भी लग रहा है। ये पता नहीं यहाँ कौन सोता है। ताला लगा हुआ है। एकदम डरावनी जगह जैसी लग रही है। बहुत सारा सब कुछ खंडर हो चुका है। सोच टाइम यहाँ पे सब कुछ खंडर हो चुका है और मैं आया था काफ़ी ज़्यादा जंगली, पेड़ वगैरह भी हो गए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, अब चलते हैं क्वार्टर्स की तरफ। क्वार्टर्स का क्या हाल है।
सब कुछ खंडर। तो ये कॉलोनी का मेन गेट है और HMT के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ज़्यादातर के बच्चों का बचपन इसी स्कूल में ही बीता है, तो ये स्कूल भी काफ़ी यादगार है बहुत लोगों के लिए। ये मेन गेट पूरा, और इस टाइम मैं खड़ा हूँ जो एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी ये भी है पूरी, ये थोड़ी मेंटेन्ड है, पर लेकिन बात वही है ना, फैमिलीज रहती नहीं है। तो ये जो जगह है ये यहाँ का कम्युनिटी सेंटर था, मतलब अगर आप किसी भी कॉलोनीज़ वगैरह रहते हैं यहाँ पे, मतलब ज़्यादातर HMT वालों की पार्टीज़ और शादी वगैरह छोटे फंक्शन इसी जगह पे होते थे। सो मतलब देख के काफ़ी बुरा लगता है, ये भी पूरा खंडर पड़ा हुआ है और किसी टाइम पे कितनी चहल पहल रहती होगी यहाँ पे, बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। मैं आपको अंदर अगर दिखा सकते तो दिखा पाता, पर लेकिन जाली लगी हुई है, काफ़ी खौफनाक मंजर हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद जो HMT की मेन फैक्ट्री है, कारखाने के मेन गेट पर चलते हैं। इस टाइम हम लोग जो HMT डो फैक्ट्री है, जो मेन फैक्ट्री थी, वहाँ पे आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल खंडर हो चुकी है। यहाँ पे केवल मैंने जो गार्ड अंकल है उनसे बात करी, वो लोग भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, बट ठीक है। और अगर आप इधर देखेंगे ये हालत है कुछ फैक्ट्री की। हम सिर्फ सिक्योरिटी इन संपत्ति की सुरक्षा के लिए हैं, इससे ज्यादा कुछ न जानते हैं न कहना जानते हैं। आज सुरक्षा के लिए इसके हम संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए संपत्ति है। हाँ, तो मतलब आप लोगों को पहले टाइम से आती है? हाँ हाँ, हमारा आराम हमारी आती है, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, पर लेकिन जो अंदर थे एम्प्लॉय उनके तो लास्ट के 5-6 महीने लगातार सैलरी नहीं आई ना, एक साल। तो आप 1 तारीख के बाद आना, आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन घर में तो बैठे हुए कर्मचारी होंगे, 150 कर्मचारी भी और हैं। तो अंदर कर्मचारी भी नहीं है ना? अंदर कर्मचारी भी नहीं है ना, कोई नहीं, हम लोग हैं खाली बिल्डिंग बाहर। सिक्योरिटी के लिए 3 इस गेट में, 2 उस गेट में, 2 आउट पेट्रोलिंग। अच्छे, ये फैक्ट्री का मेन गेट, ये अंदर देखे तो सब कुछ खाली दिख रहा है, हरियाली, पूरी जंगली घास वगैरह उग गई है। तो जो पॉइंट वाली बात है ना, ये है कि आजकल जो हम लोग बहुत ज़्यादा बॉयकॉट चाइना ये सब तो कर रहे हैं, पर लेकिन जब उस टाइम HMT के एम्प्लॉयज़ ने मेड इन इंडिया का नारा दिया था और उन्होंने कहा था इस फैक्ट्री को बचा लो, इससे इतने ज़्यादा लोग को रोज़गार भी था और HMT एक बहुत ही जानी मानी घड़ी की कंपनी थी, तो उस टाइम पे किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, तब हर कोई बाहर की कंपनी सब को प्रेफर कर रहा था। और अब जब बॉयकॉट चाइना के नाम पे, तो अब भी टाइम है शायद हम लोग अगर इस फैक्ट्री को रिवाइव कर सकें, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। मतलब पहाड़ पे इतनी सुंदर जगह पे फैक्ट्री है और यहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह सब कुछ थे और इतने लोगों को रोज़गार, पता नहीं अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो क्या पता ये सही जगह पे पहुंच जाए और कुछ इस चीज़ को लेके एक्शन लिया जा सके। चलो मिलते हैं आगे। अब इतनी हरियाली कहाँ पे मिलेगी आपको? ये
टाइम हम लोग ये जो दूसरे क्वार्टर्स है आपने देखा होगा मैगी पॉइंट के जो आगे पड़ते हैं इन जगहों पे आ चुके हैं और इन क्वार्टर्स की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है प्रतिबंधित क्षेत्र, बट लेकिन हम लोग कोई गलत काम करने नहीं आ रहे हैं। इस बोर्ड का रीज़न आपको सुनसान देख के समझ आ ही गया होगा क्यों। ये हल्द्वानी की बहुत फेमस जगह है जहाँ पे आए दिन, समझ गया बस। सो अंदर जाने में डर तो लगता ही है, ऑब्वियसली अजीब सा ही है सब कुछ, बट मैं अगर खिड़की से सब कुछ टूट फूट गया है, पूरी बिल्डिंग की हालत बहुत ही ख़राब है, कांच शीशे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप में से किसी को भी इस साइन का मतलब पता है। पता नहीं है किसने बनाया क्या है। सो ये है HMT के क्वार्टर्स अबैंडन्ड। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्वार्टर्स का क्या सीन है। और जो HMT फैक्ट्री है इसमें मेन जो घड़ियाँ बनती थी, और बाद में ऐसा बताते हैं कि DRDO से भी कॉन्टैक्ट मिला था HMT को, जो पार्ट्स हैं वो एयरप्लेन्स और उसमें जो डायल यूज़ होते हैं तो उसके पार्ट्स बनाने के लिए बाद में कॉन्टैक्ट मिला था। बट लेकिन इतनी गंदी पॉलिटिक्स थी यहाँ पे कि जो यहाँ पे इन्हें कॉन्टैक्ट मिला था वो चला गया HMT के हाथों से। और फिर धीरे धीरे आप मंज़र देख ही रहे हैं कि क्या हालत हो गई इस HMT की। सो चलता हूँ मैं, अब मैं भी यहाँ से, काफ़ी अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। देवकांत का धन्यवाद हमारे इस सफ़र में साथ निभाने के लिए। इसे कट कर देना। सो अब हम जा रहे हैं मैगी पॉइंट। अगर आप HMT या HMT की रानीबाग की साइड हैं तो मैगी पॉइंट जाना तो मस्ट है, मस्ट। तो मिलते हैं, बाय बाय। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहाँ नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले हो। दूर दूर लोग बाग भी लो दूर ये वादिया कर दुआ दुआ तन हर बदली चली आती है चुने।